पीएम मोदी ने खुले लहजे में चीन को चेतावनी दी, कहा उकसाने पर सही जवाब देने में समझ है। इस बात का गर्व होगा, वे मारते मारते मरे। चीन से झड़प में शहीद हुए जवानों के लिए पीएम मोदी ने मौन रखा। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत जारी। सूत्रों के मुताबिक चीन से हुई झड़प में सरकार ने सेना को कार्रवाई की छूट दी है। लद्दाख की गलवान घाटी में कमांडिंग अफसर समेत चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर। भारत चीन सीमा के हालात पर 19 जून को पीएम मोदी ने सभी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अखंडता से समझौता नहीं। दिल्ली में लोगों ने चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्र ने एलएसी पर दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। एलएसी पर शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के घर तेलंगाना में मातम पसरा। यूपी के कानपुर में लोगों ने चीन का सामान तोड़ा। उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल और लद्दाख में चीन की सीमा पर आईटीबीपी की चौकी पर अलर्ट। डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। डेटा अपडेट में देरी से कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 24 घंटे में 2000 के पार। देश में कोरोना के मरीज बढ़कर 3.5 लाख के पार पहुंचे। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को देश को संदेश देंगे। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। 11 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमत में 6 रुपए लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।